हिमाचल के कुल्लू स्थित बंजार उपमंडल में चाय के ढाबों में सरेआम अवैध शराब बिक रही थी। सूचना मिलने पर अलग अलग ढाबों पर पुलिस ने छापेमारी की। आपको बता दें कि इस दौरान पुलिस को ढाबों से 10 लीटर अवैध शराब मिली है। वहीं पुलिस ने शराब बेचने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की इस कार्यवाही से ढाबों में शराब बेचने वाले आरोपियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस के अनुसार लंबे समय से ढाबों में शराब बेचे जाने की सूचनाएं मिल रही थी। गुरुवार को पुलिस ने टीम गठित कर ढाबों पर छापेमारी करने की रणनीति तैयार की। पुलिस ने पहली कार्यवाही बंजार के भागू पुल के पास एक चाय के ढाबे में की। इस दौरान पुलिस को 5 लीटर अवैध शराब मिली। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी रवि कुमार पुत्र दीनानाथ निवासी मंगलौर तहसील बंजार जिला कुल्लू को मौके से गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने बंजार के कई ढाबों पर छापेमारी की। वहीं तलाशी के दौरान पुलिस को 5 लीटर अवैध शराब मिली, जिसके बाद पुलिस ने शराब को अपने कब्जे में लेकर महिला को भी गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में केस दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।